हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के एक टॉपिक मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन प्लांट्स अर्थात पादपों में आकार की विविधता की। चलो आइए वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझते हैं। अगर बात की जाए पेपर की तो मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी पेपर में हम अध्ययन करेंगे पादपों के बाह्य स्वरूप और उनकी आंतरिक संरचना का। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को एक संक्षिप्त से शब्दों में परिभाषित कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी शब्द की बात करें तो मॉर्फोलॉजी जो शब्द है उसका गठन हुआ है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, आप देख सकते हैं, जिसमें मॉर्फोस का मतलब होता है स्ट्रक्चर और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, अर्थात संरचना का अध्ययन करना। तो मॉर्फोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पादपों के बाह्य स्वरूप एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पादपों की आंतरिक आकारिकी अर्थात इंटरनल मॉर्फोलॉजी अथवा आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, वो एनाटॉमी कहलाती है। अब टॉपिक पे आएँ तो पादपों में आकार की विविधता की हम बात कर रहे हैं। पादपों में आकार की विविधता का मतलब है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो पादपों की बहुत सारी स्पीसीज हैं उनमें किस तरीके से उनके आकार में उनके स्वरूप में विविधता हमको देखने को मिलती है, चाहे वो साइज के आधार पर विविधता हो सकती है, जीवन काल के आधार पर विविधता हो सकती है, या ये विविधता आवास के आधार पर, बाह्य स्वरूप के आधार पर, कैनोपी के आधार पर, तने के आधार पर, बहुत सारी विविधताएं हमको देखने को मिलती है। अब हम इन विविधताओं के बारे में बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि इस पृथ्वी पर पादपों की बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1,95,000 प्रजातियाँ इस पृथ्वी पर बीजी पादपों की पाई जाती हैं, जिनको हम दो विभागों में प्रमुखतः बांटते हैं, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। अब द्विबीजपत्री पादप और एकबीजपत्री पादप के बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी हम ले लेते हैं। द्विबीजपत्री पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज के में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, और एकबीजपत्री पादप वे पादप होते हैं जिनके बीज में बीजपत्रों की संख्या एक होती है। द्विबीजपत्री पादप के उदाहरणों को देखें तो मटर, दालें, बैंगन, टमाटर और कई सारे उदाहरण इसके हैं जो हम दैनिक जीवन में पादपों को यूज करते हैं। एकबीजपत्री पादपों के उदाहरणों में देखें तो गेहूं, बाजरा, चावल, ये सभी एकबीजपत्री पादप हैं और तमाम घासें इसमें भी सम्मिलित हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि पादपों की साइज में किस तरीके से विविधता पाई जाती है, तो आप साइज के आधार पर विविधता को थोड़ा देखने का प्रयास करें। साइज में पादप छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक पाए जाते हैं। अगर हम स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें, सबसे छोटे एंजियोस्पर्म की बात करें, तो वो वॉल्फिया होता है जो जल में पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें, जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है, वो यूकेलिप्टस रेगेंस होता है। यूकेलिप्टस रेगेंस जो है वो लगभग 375 मीटर हाइट का होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 375 मीटर ऊंचा पादप कितना विशाल हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम जिम्नोस्पर्म पादपों की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सिकुआ सेम्परवेसिस जो प्लांट है, सिकुआ प्लांट, वो लगभग उसकी ऊंचाई 112 मीटर होती है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमको यहाँ प्राप्त कर लेनी चाहिए। एंजियोस्पर्म पादप वो पादप होते हैं जिनके अंदर बीज फल भित्ति के द्वारा परिबद्ध रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, ऐसे पादप एंजियोस्पर्म या अनावृत आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। दूसरी तरफ है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादप। ये पादप वो होते हैं जिनमें बीज फल भित्ति के द्वारा परिबद्ध नहीं रहते हैं, अर्थात नेक्ड सीड इनके अंदर पाए जाते हैं। बीजांड जो होते हैं वो नग्न लगते हैं, अंडाशय से परिबद्ध नहीं रहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। दूसरी डाइवर्सिटी की हम बात करें तो दूसरी डाइवर्सिटी है
जीवन काल के आधार पर डाइवर्सिटी, किस तरीके से पादपों का जो जीवन काल है, किसी का अल्प होता है तो किसी का ज़्यादा होता है, इस आधार पर हम पादपों को कई प्रकार में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका अल्पजीवी पादप। अल्पजीवी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनका जीवन काल बहुत कम होता है, विशेषकर बात करें तो 1 से 2 महीना इनका जीवन काल होता है। ये इसी अल्प समय में अपने जीवन की सारी क्रियाएं कर लेते हैं, और ये जो अल्पजीवी पादप होते हैं प्राय मरुभूमि या अति शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, एरिड जोन्स, विशेषकर जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल या फिर अल्पाइंस रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा शीत पड़ती है, उन प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर सामान्य जीवन यापन के लिए इनको अत्यंत प्रतिकूल या विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में ये पादप अपने एक छोटे अनुकूलित समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। 1 से 2 माह का इनका जीवन चक्र होता है, तो उसको पूरा कर लेते हैं और उसके पश्चात बीज उत्पन्न करके ये अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण है इसके आर्टिमिशिया, एस्ट्रोगेल्स एंड एरेबडोसिस, ये सभी इसके उदाहरण हैं, आर्टिमिशिया, एस्ट्रोगेल्स एंड एरेबडोसिस। नेक्स्ट है हमारा एक वर्षीय पादप या एनुअल्स। जैसा कि हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक वर्षीय पादप या एनुअल्स ऐसे पादप होते हैं जो एक सीजन विशेष या एक वर्ष के अंदर अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं, अर्थात इनका जो संपूर्ण जीवन चक्र है वो एक वर्ष का अथवा एक ऋतु में पूर्ण हो जाता है। ये अपने जीवन काल में प्राय एक बार ही जो है वो पुष्पित होते हैं, एक बार ही फल देते हैं। इसके उदाहरण हम देखें तो इसके उदाहरण हैं आपके गेहूँ, मक्का, चावल आदि। अगले हैं हमारे द्विवर्षीय पादप। द्विवर्षीय पादप या बायनियल्स पादप ऐसे पादप होते हैं जो जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 अनुकूल ऋतु अथवा इनको 2 वर्ष की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम वर्ष में तो ये कायिक वृद्धि करते हैं अपनी, और द्वितीय वर्ष जब इनका आएगा तो इनमें पुष्पन, बीज निर्माण, फल निर्माण की क्रिया होती है। इनमें खाद्य पदार्थों के संचय हेतु रूपांतरित संरचनाएँ भी बनती हैं, जैसे कि कंदिल जड़ें बनती हैं, घनकंद बनता है, इसी प्रकार की कई फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स इनमें विकसित होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इन पौधों में चिरकालिकता हेतु, जीवन यापन हेतु खाद्य पदार्थ भी संग्रहित रहते हैं, और इसके उदाहरणों में आते हैं गाजर, मूली, शलगम इत्यादि। गाजर का सभी आप बॉटनिकल नेम जानते ही हैं, टाकोस करोटा होता है, और मूली का रेफिनस सेटाइवस होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के पादपों की लॉन्जिटिविटी के आधार पर। तीसरे पादप हैं बहुवर्षीय पादप। जैसे नाम से पता चल रहा है ये इन पादपों का जो जीवन काल है वो 2 से अधिक वर्षों का रहता है, अर्थात ये पादप 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें बीज बनने के बाद भी इनका जीवन समाप्त नहीं होता है, वरन ये प्रतिवर्ष लगातार ऋतु के अनुसार जो है पुष्प, फल, बीज आदि बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसके उदाहरण हैं पीपल, नीम, आम, जामुन, इस तरीके के जो पौधे हैं वो इसके उदाहरण हैं। ये भी इनको फल और पुष्प बनने की प्रवृत्ति के आधार पर या आवृत्ति के आधार पर 2 भागों में हम बांट सकते हैं। इनमें से पहला है पॉलीकार्पिक और दूसरा है मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब है ऐसे पादप जो लगातार अनेक वर्षों तक पुष्प, फल, बीज बनाते हैं, ऐसे पादप पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। उदाहरण हैं आपके आम, जामुन, संतरा आदि। मोनोकार्पिक ऐसे पादप होते हैं जिनके जीवन काल में पुष्पन, फल और बीज निर्माण केवल एक बार ही होता है, और एक बार होने के पश्चात इनका पुष्पक्रम बनने में या सारा संचय भोज्य पदार्थ काम में आ जाता है, उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें आते हैं गेहूँ, मूली, गाजर, अगे, केला इत्यादि, सरसों भी इसी में आता है। अब अगली बात करते हैं हम
पादपों में डाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट, अर्थात पादपों के आवास के आधार पर विविधता की। पादपों को अगर हम देखें तो दो प्रमुख आवासों में पादप देखने को आपको मिलेंगे, जल और स्थल। स्थल को भी हालांकि हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो आइए इनको भी हम देखते हैं। जल में जो पादप पाए जाएंगे उन पादपों को हम नाम देते हैं जलोद्भिद। जलोद्भिद पादप जलीय आवास में अलग तरीके से अनुकूलन विकसित करके अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। जलोद्भिद पादप वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ दो प्रकार के मोटे तौर पर इनको बताया है। एक तो है निमग्न जलोद्भिद या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ये ऐसे पादप होते हैं जो जल की सतह के नीचे तक डूबे हुए होते हैं, जल की सतह के नीचे डूबे हुए होते हैं, अर्थात ये इनका जो पादपों के जो भाग हैं, पत्तियाँ इत्यादि, वो बाहर नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रिला, वेलिशनेरिया। और दूसरे पादप हैं हाइड्रोफाइट्स में फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, अर्थात एक तरीके से तैरने वाले जलोद्भिद जो पानी की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं जलकुंभी, जिसको हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, एजोला, वुल्फिया, ये सभी इस तरीके के पादप हैं। एक तीसरी जो कैटेगरी इन पादपों में हम रखते हैं वो है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनका कुछ भाग जल में डूबा रहता है और कुछ भाग जो है वो जल से ऊपर होता है। इसके उदाहरण हैं टाइफा एवं साइप्रस। ये हम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आप ऊपर देख रहे हैं, ये डायग्राम, ये फिगर जो है वो हाइड्रिला प्लांट्स का है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रिला प्लांट जो है वो पानी में डूबे हुए पाए जाते हैं। दूसरा फिगर जो हम देख रहे हैं वो वाटर हाइसिंथ का, जलकुंभी का है, जो जल की सतह पर तैरती हुई पाई जाती है। इसकी पत्तियाँ जो हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं और जो जल की सतह को एक तरीके से ढक देती हैं। ये वाटर हाइसिंथ जो है या जलकुंभी जो है वो एक विदेशी स्पीसीज है जो हमारे भारत में आई है। इसको बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है और यह किसी भी जल में बहुत तेज़ी से वृद्धि करती हुई उस जल की पूर्णतः सतह को घेर लेती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के पादपों की जो कि सम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ऐसे पादप कहलाते हैं मीजोफाइट्स या समुद्भिद। समुद्भिद जो पादप हैं वो ऐसे पादप होते हैं जो सामान्य मृदा में पाए जाते हैं, सामान्य आर्द्रता और वातावरण वाले में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं गुड़हल, आम, आंवला आदि हैं। इसके अलावा हमारे आसपास भी बहुत सारे पादप ऐसे देखे जा सकते हैं जो समुद्भिद होते हैं। तीसरे पादप पे जीरोफाइट्स या मरुद्भिद। जीरोफाइट्स या मरुद्भिद पादप ऐसे पादप हैं जो मरुस्थलीय और शुष्क स्थान पर पाए जाते हैं। इन पादपों में जल का अभाव सहन करने की क्षमता होती है, ये जलाभाव सहिष्णु होते हैं और ये जलाभाव से निपटने के लिए अपने अंदर बहुत सारे अनुकूलन विकसित किए हुए होते हैं और जिससे कि ये शुष्क अवस्था काल में भी जीवित रह पाते हैं। इनके अगर हम उदाहरण देखें तो इनके उदाहरण हैं नागफनी, कैपेरिस, इसके अतिरिक्त कैक्टस की तमाम स्पीसीज इसमें आती हैं। इसके अलावा झाड़ी बेर भी इसके उदाहरण हैं। बहुत सारे पादप हमको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। तीसरे मरुद्भिद के बाद में अब बात करते हैं हम मृदा की प्रकृति और जल की आवश्यकता के अनुसार आधार पर भी हम पादपों को कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए आप कितने प्रकार के पादप हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला है आपका ऑक्जिलोफाइट्स या अम्लोद्भिद। अम्लोद्भिद पादप जो हैं वो ऐसे पादप हैं जो अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। ये अम्लीय मृदा ऐसी मृदा होती है जिसका पीएच 7 से कम होता है और ऐसी मृदा में प्राय कैल्शियम का अभाव पाया जाता है। दूसरे पादप इसका उदाहरण अगर हम देखें अम्लोद्भिद के तो रेडोडेंड्रॉन है, रूमेक्स है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ये सभी पादप जो है वो अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। दूसरे पादप हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स। ऐसे पादप जो लवणीय मृदा या लवणीय जल में पाए जाते हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहलाते हैं।
हेलोफाइट्स के उदाहरण अगर हम देखें तो स्वेडा, टैमरिक्स, इसके अतिरिक्त राइजोफोरा, सालसोला, ये सब इसके उदाहरण हैं। लवणोद्भिद पादप प्राय समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर लवणों की मात्रा ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा पानी भी वहाँ पर भरा रहता है, विशेषकर मार्सी जो रीजन्स होते हैं, दलदली स्थान जहाँ होते हैं, जहाँ पर समुद्र का पानी स्थल पर आ जाता है। तो ऐसे दलदलों में जो वनस्पति पाई जाती है वो मैंग्रोव वनस्पति होती है, वो भी लवणोद्भिद होती है। लवणोद्भिद या मैंग्रोव वनस्पति जो है उसके पादपों में एक विशेष प्रकार की जड़ें भी पाई जाती हैं जिनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये जड़ें भूमि की सतह के ऊपर दिखाई पड़ती हैं और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं ये जड़ें। राइजोफोरा प्लांट्स में हमको ये जड़ें देखने को मिल सकती हैं। तीसरे पादप जो हैं वो हैं बालूकोद्भिद या सेमोफाइट्स। बालूकोद्भिद या सेमोफाइट्स ऐसे पादप हैं जो वनस्थलीय बालू मिट्टी में पाए जाएंगे। इसके उदाहरण हैं लेप्टिडीनिया, एलोवेरा, आक, कैपेरिस। ये हालांकि मरुस्थली पादप भी हैं, चूँकि बालू का मिट्टी में पाए जाते हैं तो इसलिए इनको बालूकोद्भिद या सेमोफाइट्स भी कहते हैं। एक अन्य कैटेगरी जो पादपों की है वो है शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स। ये ऐसे पादप होते हैं जो सख्त चट्टानों पर और पथरीली भूमि पर पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं थोड़, जिसको हम यूफोर्बिया नाम देते हैं, यूफोर्बिया नेरिटेलिया, बारलेरिया, एकायरेंथस भी इसमें आता है। तो ये सभी शैलोद्भिद पादप या लिथोफाइट्स हैं। अगली कैटेगरी है पादपों की, वो है शीतोद्भिद या साइक्रोफाइट्स। जैसे कि नाम से इसके से पता चल रहा है हमको कि ये पादप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे कि हिम से आच्छादित पर्वत शिखर हैं, टुंड्रा प्रदेश हैं, उन स्थानों पर ये पादप पाए जाएंगे। इसके पादप के उदाहरण हैं सीडम, थैलिक्ट्रम, सेलिक्स इत्यादि। ये पादप अपने आप को वहाँ के वातावरण के हिसाब से अनुकूलित कर लेते हैं। छठा है एपिफाइट्स या अधिपादप। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है अधिपादप, अर्थात ये ऐसे पादप होते हैं जो दूसरे पादपों पर विकसित होते हैं, अर्थात ये दूसरे पादपों के ऊपर पाए जाते हैं और वहीं हालांकि अपना पोषण ये स्वयं के क्रिया के आधार पर करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके करते हैं, लेकिन सहारे के लिए दूसरे पादपों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पादप अधिपादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो वेंडा है, बहुत सारे ऑर्किड की स्पीसीज हैं वो इसके उदाहरण हैं। इन पादपों की एक विशेषता यह भी होती है कि इन पादपों में वातावरण की नमी को अवशोषित करने के लिए हाइग्रोस्कोपिक रूट पाई जाती हैं, आर्द्रता ग्राह्य जड़ें पाई जाती हैं। और इन जड़ों की आंतरिक संरचना में अगर हम बात करें कॉर्टेक्स में, तो एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम वेलामन कहते हैं। ये वेलामन का पाया जाना इन अधिपादपों की जड़ की खास बात होती है। प्रिय स्टूडेंट्स, कई बार यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि वेलामन क्या है या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स के बारे में पूछा जाता है, तो आप वेलामन के बारे में ज़रूर बताएं कि अधिपादपों में पाए जाने वाली जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हैं उनके कॉर्टेक्स में जो विशेष ऊतक पाया जाता है उसको वेलामन कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार के पादप हैं परजीवी या पैरासाइट्स। इसमें भी हमको अर्थ समझ में आ रहा है, पैरासाइट्स मतलब दूसरों पर जीवित रहने वाले परजीवी प्लांट्स। ये ऐसे पादप होते हैं जो पोषण के लिए दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, इसका उदाहरण है कसकुट्टा, जिसको हम अमरवेल भी कहते हैं। एक है ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया। ये सभी जो पादप हैं वो ऐसे पादप हैं कि ये पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी होते हैं ये। कसकुट्टा को आपने देखा होगा, बहुत सारे पादपों पर ये जो है पोषण प्राप्त करने के लिए, देखिए इस डायग्राम में भी, इस फिगर में दिखा रखा है एक इस तरीके से अमरबेल जो है वो दूसरे पादप के ऊपर आश्रित है और किस तरीके से उसने पूरे पादप को ढक लिया है। एक दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं वो ओरोबैंकी है। ओरोबैंकी बैंगन की जड़ पर रूट पैरासाइट है और देखिए जड़ों से किस तरीके से ये पोषण ले रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये बैंगन की जो है जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं और किस तरीके से ये जड़ों से पोषण ले रहा है, अर्थात ये रूट पैरासाइट है। अब बात करें हम अगले कैटेगरी की, तो वो है मृतोपजीवी प्लांट्स की या सेप्रोफाइट्स की।
ये ऐसे पादप होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है मोनोट्रापा या इंडियन पाइप प्लांट। नेक्स्ट है कीटाहारी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटाहारी पादप ऐसे पादप होते हैं जो अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं और कीटों का ये भक्षण करते हैं। ये प्राय ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और इसके उदाहरण हैं निपेंथिस एंड यूट्रिकुलेरिया ड्रोसेरा, ये सभी इसके उदाहरण हैं। और ये पादप कई तरीके विकसित कर लेते हैं कीटों को पकड़ने के लिए अपने अंदर। देख सकते हैं आप, ये जो मैं आपको नीचे वाले जो दोनों प्लांट दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो ड्रोसेरा है और ये जो पादप है वो नेपेंथिस है। देख सकते हैं आप, ड्रोसेरा के अंदर ये जो है रूम ग्लैंडुलर रूम्स पाए जाते हैं जो कीटों को पकड़ने में इनकी मदद करते हैं। और दूसरी तरफ अगर नेपेंथिस को हम देखें तो देखिए ये घटपर्णी पादप भी कहलाता है, पिचर प्लांट्स भी कहलाता है, और इस पादप के अंदर जो है वो घड़े का निर्माण हो जाता है, एक संरचना बन जाती है पत्तियों के द्वारा एक विशेष रूपांतरित होकर के। और इसमें देख सकते हैं आप, ये घड़े का मुख है और उसके ऊपर ये उसका ढक्कन है। जैसे ही कीट इस जगह पर आकर के बैठता है, ये ढक्कन जो है वो इस तरीके से बंद हो जाएगा, और बंद होने के पश्चात जो कीट है वो इसके घड़े के अंदर चला जाएगा जहाँ पर इसको पचा लिया जाता है। तो नेपेंथिस जो प्लांट है वो इस विशेष क्रियाविधि के द्वारा कीटों का एक तरीके से भक्षण करता है। अब हमारा जो अगला डाइवर्सिटी का आधार है वो है पादप स्वभाव, अर्थात डाइवर्सिटी इन हैबिट। पादप स्वभाव के आधार पर भी हम पादपों को कई भागों में बांटते हैं। इनमें से पहली कैटेगरी है शाक। आपने देखा होगा हमारे आसपास कई छोटे पौधे पाए जाते हैं जो कि स्वभाव के आधार पर बहुत ही कोमल होते हैं, जैसे कि गेहूँ, प्याज, लहसुन। ये पादप ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है और साथ ही साथ इनमें लकड़ी का अभाव होता है, वुड का अभाव होता है, अर्थात कठोर पदार्थ का इसमें अभाव होता है। तो ये पादप छोटे होते हैं और नरम होते हैं तरीके से, तो ऐसे पादप कहलाते हैं आपके शाक या हब्स कहलाते हैं। दूसरे हैं छूप या झाड़ियाँ या सर्प्स कहें अंग्रेजी में। ये ऐसे पादप हैं जो शाकों से बड़े होते हैं, साथ ही साथ इन पादपों का स्वरूप जो है वो झाड़ी नुमा पाया जाता है, और ये काष्ठीय पादप होते हैं लेकिन इनकी ऊंचाई प्राय 20-30 फुट तक ही रहती है। और ये पादप जो हैं, झाड़ियों की बात करें, धूप की बात करें, तो ये पादप जो है भूमि के ऊपर एक मुख्य स्तंभ नहीं बनाएंगे, वरन नीचे से कई सारी शाखाएं इनमें से निकल जाती हैं, तो शाखा में और तना में भेद करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि शाखाओं की और मुख्य स्तंभ की मोटाई लगभग लगभग समान दिखाई देती है। इसलिए आप को एक झाड़ी नुमा स्वरूप जो है देखने को मिलेगा इनमें। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो गुलाब, गुड़ैल, कनेर, बेर झाड़ी, ये सभी इसके उदाहरण हैं झाड़ियों के। तीसरा स्वरूप जो पादपों का है वो है वृक्ष। वृक्ष में जैसा कि हम सभी जानते हैं ये मोटे तने और इस बिल्कुल जो स्पष्ट तना है उस वाले पादप होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं और छूप से बड़े होते हैं। इनका जीवन काल भी लंबा होता है बजाय शाक और झाड़ियों की तुलना में। इसको उदाहरण है नीम, पीपल, खजूर आदि सब ये वृक्षों के उदाहरण हैं। इनको भी हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। इनमें से पहला है अशाखित। अशाखित वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें शाखाओं का अभाव होता है। ये वृक्ष प्राय सीधे बढ़ते हैं, लंबाई में काफ़ी ऊपर तक इनकी लंबाई जाती है, और इन पादपों के अंदर लेटरल ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी, केवल पादप के शीर्ष भाग पर पत्तियों का एक क्राउन लगेगा, सघन समूह लगता है, और इसका उदाहरण है आपका खजूर। इसके अलावा और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने नारियल का पेड़ है देखा होगा, नारियल का पेड़ है, ताड़ है, ये सभी जो उदाहरण हैं वो आपके कोडेक्स या अशाखित वृक्षों के हैं। इनमें तना साधारणतः सीधा होता है, लंबा होता है और मोटाई भी बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं करता है। दूसरे जो पादप हैं वो हैं एकल शाखी या बहिवर्दी, जिनको हम कहते हैं एक्सकरेंट अथवा मोनोपोडियल। मोनोपोडियल की बात करें तो ये पादप ऐसे होंगे जिनमें तना जो है वो निरंतर वृद्धि करता रहता है और पार्श्व शाखाएं भी
नियमित रूप से निकलती हैं, लेकिन इसमें जो नीचे वाली पार्ट शाखाएं निकलती हैं वो चौड़ाई में थोड़ी सी अधिक हो जाती हैं, अधिक आकार घेर लेती हैं और ऊपर वाली क्रमशः सक्रिय होती चल जाती हैं, जिससे कि पौधे का जो आकार बनेगा वो शंकुनुमा बन जाता है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अशोक, पाइनस, कैजुराइना, इस तरीके से इनको उदाहरण है, अशोक लिख रखा है इसमें अशोक। तीसरे हैं युग्म शाखी या बहुशाखी डिलक्यूशेंट्स, इनको हम सिंपोडियल भी कह सकते हैं। ये पादप ऐसे हैं जब पार्श्व शाखाएं इसमें मुख अक्ष से अधिक वृद्धि करेंगी तो वृक्ष जो है आप देख सकते हैं गोलाकार और विस्तृत आकार प्रदान कर लेता है, जैसे कि नीम, बरगद, ये सभी पादप हमको देखने को मिलते हैं। ये इनकी कैनोपी अनियमित होती है और काफ़ी आकार घेरे हुए होती है। चौथे पादप हैं संधि स्तंभ या कलम। संधि स्तंभ या कलम जो हैं वो ऐसे पादप होते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें तना अशाखित होता है और स्पष्ट पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। और इन पादपों में पर्व जो होते हैं वो खोखले होते हैं और लंबाई हालांकि इन पादपों की काफ़ी होती है संधि स्तंभ कलम्स की। ये पादप अधिकतर घास होते हैं जो साग, छूप, वृक्ष तीनों से थोड़े अलग दिखते हैं। आपने जैसे देखा होगा बांस का पादप देखा होगा, तो बांस जो है लंबाई में काफ़ी ऊपर तक जाता है और लेकिन बीच में से खोखला होता है, पर्व और पर्व संध्या में बिल्कुल स्पष्ट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी के आधार पर पादपों के कई रूप हमने यहाँ पर देखे। ये कुछ डायग्राम्स थे जिनके माध्यम से हमने इन चीज़ों को समझा। एक डायग्राम्स जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं मरुद्भिद, जब हम पादप पढ़ रहे थे मरुद्भिद पादपों में हमने एक उदाहरण देखा था नागफनी का। नागफनी को आप इस फिगर में देख सकते हैं कि नागफनी जो है किस तरीके से नागफनी के अंदर अनुकूलन विकसित हो जाते हैं मरुस्थलीय पादपों के। नागफनी में अगर हम देखें तो आपको ये जो पत्तियों के समान संरचना दिखाई दे रही है, दरअसल ये पत्तियाँ नहीं होकर के पादप का तना है जिसको हम पर्णव स्तंभ कहते हैं। इस पादप में जो पत्तियाँ हैं वो इस तरीके से देख सकते हैं आप कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, स्पाइंस में रूपांतरित हो जाती हैं और पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है वो तना करता है और ये पत्ती के समान हरा हो जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है पर्णव स्तंभ। नागफनी का जो तना है वो आपको हरा दिखाई देगा क्योंकि क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।